अरे भाई नहीं चाहिए फैमिली को करोड़ों रुपए, उसे आप 10 रुपए ला के दो लेकिन आप उसके साथ रहो। एक बहन पे क्या बीत रही होगी, अपनी माँ से पूछे हो कि आपके पापा के जाने के बाद वो सदमे से निकली है या नहीं निकली है। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रित्ति सिन्हा और आज ये वीडियो, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कोई प्रैंक वगैरह नहीं है, बस एक लड़की है प्रिया नाम की जो बहुत दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही है। बहुत दिन से मैं बिजी थी तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, बट अब मैंने रिस्पॉन्स किया, मतलब वो इतना मैसेज कर रही है, आप देखोगे उसके मैसेज ना तो आप परेशान हो जाओगे। लिटरली बहुत मैसेज करी कि दी मेरे आपसे हेल्प चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मतलब मैं उसे एक बार यहाँ से मिलने के लिए बुलाया हूँ और मैंने इसलिए कैमरा लगाया हुआ है क्योंकि मतलब पहली बार मिल रही हूँ, पता नहीं क्या है, कैसी लड़की, जो भी चीज़ है नहीं पता, बट जो भी चीज़ वो कैमरे के सामने रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड वो यहाँ पे आ चुकी है, एक बार मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ कहाँ पर है वो। हेलो हेलो हाँ हाँ प्रिया, कहाँ पर हो? जी मैं पार्क में हूँ, आप कहाँ पे हो? अरे अरे बाबू, थोड़ा सा ट्रैफिक में बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। तुम कहाँ पर हो, दिख नहीं रही हो? पार्क में हूँ, आप गेट की साइड हो? हाँ, मैं अब दिखाई दे रही हूँ, कहाँ? गेट की साइड से अंदर आओ, वहाँ पर ना एक रेड कलर का घर होगा, उसके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, आओ। ठीक है, तो वेट कर लेते दोस्तों, देखते हैं क्या चीज है, जो भी चीजें ट्राई करेंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती तो जरूर करेंगे। आओ आओ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रही है? चुप चुप चुप, रो क्यों रही हो? अमित कहाँ है? कुछ बोला है क्या? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सॉरी बच्चा वो लेट हो गया, बैठ पहले बैठो। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। अरे नहीं, वो ट्रैफिक में फंस गए थे ना इसलिए लेट हो गया। रो क्यों रही हो, कोई कुछ बोला है पार्क में? कोई कुछ बोला नहीं तो रो क्यों रही? पहले चुप हो जा, चुप हो जा, चुप 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 बच्चा चुप। बताओ क्या हुआ, क्यों, क्या बोल रही थी, क्या हेल्प चाहिए, क्या, क्यों परेशान हो, बताओ। मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ। बोला था मेरे पापा की जब डेथ हो गई थी तो फिर कब हुई पापा की डेथ? पापा की डेथ हो गई 1 साल हो गया। तो उसके बाद मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी है, मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है और फिर कोई था नहीं, पापा की डेथ ही हो गई। उसके बाद मम्मी ने बोला कि दोनों में से कोई एक जॉब कर लो, फिर मैंने बोला कि मैं पढ़ाई छोड़ के जॉब कर लेती हूँ, मेरे भाई से बोला मैंने, तो उसको बोला कि नहीं मैं करूँगा जॉब। तो उसके बाद मैंने बोला नहीं मैं कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे शादी करनी है आगे चल के, पढ़ लिख के क्या करूँगी मैं। तो ये चीज़ तो गलत है ना, ये थिंकिंग तुम सोच रही हो, पढ़ के क्यों नहीं करोगी, कुछ जरूरी है शादी करनी? तो घर पे भी कुछ संभालना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। मेरे जाने के बाद मेरा भाई है कि मम्मी को संभाल सकता है, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, वो जॉब कर नहीं सकती। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी ये प्रॉब्लम है कि मेरा भाई, आज 1 साल हो गया, जब उस टाइम झगड़ा हुआ हमारे दोनों का तो वो चला गया। झगड़ा किस लिए हुआ था? यही झगड़ा हुआ था कि मैं करूंगी जॉब, उसने बोला मैं करूंगा जॉब। अच्छा, मतलब तुम चाहती थी कि तुम्हारे भैया पढ़े और तुम जॉब करो? हाँ। और तुम्हारे भैया चाहते थे कि वो जॉब करे, तुम पढ़ाई करो? हाँ, वो ऐसे बोल रहा था और मैं नहीं मानी उनकी बात, वो छोड़ के चले गए मुझे और मम्मी को। तो मतलब कहाँ गए, कोई अता पता है? अता पता नहीं है, मैं फोन नंबर है उनका, मैं फोन भी करती हूँ तो वो फोन तो उठाते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करते, मेरी आवाज़ तुरंत पहचान जाते हैं, मैं किसी भी नंबर से कॉल करती हूँ फिर भी। तो मतलब कोई घर से कोई मतलब नहीं है उनका? नहीं नहीं, पैसे भेजते हैं हर महीने, पैसे भेज देते हैं। अच्छा, और सर भेज देते हैं वो, और आते नहीं हैं? आते नहीं है, ना ही बताते हैं मैं कहाँ रहता हूँ। कोई नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रोने वाली बात नहीं है। पहले प्रिया तुमको सबसे, चुप हो जा, चुप हो जा, देखो ठीक है जो भी चीज़ है, बट ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तुम्हारे भैया जो भी घर छोड़ के गए, कोई बड़ा इशू नहीं था, नॉर्मल सा छोटा सा बात था लेकिन घर में पापा की डेथ हो गई। हाँ, घर में भी किसी को रहना जरूरी हो, होना चाहिए कि घर में कोई रहे। पड़ोसी वाले भी ये कहते हैं अकेली माँ बेटी रहती है और याद उनकी बहुत आती है। कोई नहीं कोई नहीं, देखो बता रहे एक चीज़ पहले, सबसे पहले बता रहे तुमको कि मतलब तुमको पता है कि मैं क्या करती हूँ, पहले चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ, चुप चुप एकदम चुप, तुमको तो पता ही है कि मैं क्या करती हूँ।
तो सुनो, मैं हेल्प करूंगी, मैं हेल्प करूंगी, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो कि देखो तुम्हारे आने से पहले मैं तुमसे पहली बार मिल रही थी, तो आने से पहले मैंने देखो हाँ कैमरा लगाया हुआ है, और मैं चाहती थी कि जो भी चीज़ है ना कैमरे के सामने हो, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक काम भैया, कॉल करके बुला सकती हो यहाँ पे? वो नहीं उठाएंगे, उठाएंगे कॉल तो फिर वो रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी कर लो। अच्छा, नहीं करेंगे रिप्लाई, मेरी आवाज़ तुरंत पहचान जाते हैं। अच्छा कोई नहीं, एक बार नंबर देना तो मैं ट्राई करती हूँ। देखो मैं मतलब जो समझ रही हूँ तुम उस चीज़ से बहुत सफ़र कर रही है, घर में एक आदमी का होना चाहिए, वो भी आपका भाई है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ उसे बुलाने का, अगर वो आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आया तो जहाँ पे है वो हम वहीं पे जाके उसे समझाएंगे। एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ, नंबर बोलना तो की तबीयत खराब रहती है। कोई नहीं कोई नहीं, चुप हो जा, चुप चुप, नंबर बोलो, अकेले कैसे घर से बात, नंबर बोलो, नंबर बोलो। हेलो, हेलो, हाँ जी मोहित बात कर रहे हो क्या आप? एक्चुअली मोहित, मैं यहाँ एक पार्क में आई थी, जो कदम कुआ साइड जो पार्क है बड़ा वाला ना, उस पार्क में आई थी, और वहाँ पे एक लड़की भी होश पड़ी मिली, उसके फ़ोन में आपका नंबर मोहित भैया के नाम से सेव था, तो मतलब मैंने आपको कॉल किया क्योंकि मुझे इसके आसपास कोई है नहीं। आपकी बहन लगती है ये? जी मेरी बहन है वो। आप एक बार आ जाओगे, इसको घर ले जाओगे? क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है इसका तबीयत, एक बार आप आ जाओ ना, क्योंकि इसकी तबीयत मुझे खराब लग रही है, जल्दी से आ जाओ। कोई नहीं, चुप हो जाओ, रो नहीं, रो देखो रोने से कुछ नहीं होगा, वेट कर लेते हैं उनका, आने दो उनको, कोशिश करेंगे उनको समझाने का। हर जगह से उनके फ्रेंड हो, अरे मैं कोशिश कर, देखो तो दोस्तों कोई बड़ा चीज नहीं, एकदम नॉर्मल सा छोटा सा चीज है, बस समझने का देर है कि आप समझ नहीं रहे इस चीज को, बट कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे उनको समझाने की। और तुम रो नहीं, पहले चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा, साल हो गया, कोई नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा, बात करते वेट कर लेते हैं दोस्तों। यही था भैया, कहीं नहीं कहीं नहीं, मोहित आप बैठो, मोहित बैठो ना, कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं कहीं नहीं, मैं आपको कितना ढूंढी, कहाँ गाने ढूंढा मैंने आपको, क्या हुआ क्या, पहले ये बता दो। मोहित मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम रत्ती है जी। और पहले चुप हो जाओ प्रिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रिया ने मुझे बुलाया यहाँ पे, मतलब इसे जो भी चीज़ है आपके घर के बारे में मुझे बताया, और प्रिया मतलब मैं आपको झूठ बोल के यहाँ बुलाई हूँ, उसके लिए सो सॉरी, इसकी तबीयत नहीं खराब है। चुप प्रिया, चुप हो जाओ, नहीं चुप होगी तो कैसे बात करेंगे ये बताओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रिया ने मुझे बताया कि आप एक साल से घर नहीं गए हो, और मतलब मैं जान सकती हूँ क्या रीजन है? प्रिया ने तो मुझे बताया रीजन, आप बताओ क्या रीजन है? अच्छा एक चीज़ बताओ, पैसा रुपया ही सब कुछ होता है, आप अपने घर पे हर महीने पैसे भेज देते हो, कभी अपनी बहन से पूछे हो कि बहन ठीक हो, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता, कोई किस चीज़ का तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? अपनी माँ से पूछे हो, आपके अलावा आपकी माँ और बहन का कौन है, मुझे ये बताओ, आप बस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे। लेकिन क्या एक गुस्सा, नॉर्मल छोटा सा गुस्सा, आपको तो आपके पापा के जाने के बाद आपको और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था ना, आपने इससे क्या होगा, आप ही बताओ। मैम मैं क्या करूं, मैम फैमिली प्रॉब्लम है, और मैम मुझे अभी जिद कर रही थी कि मुझे जॉब करनी है, आप घर पे पढ़िए, लेकिन मैम मुझे इसकी शादी करनी है, इसे पढ़ाना है लिखाना, मैम आप ही बताइए। मैं देखो मोहित, मैं आपकी बात समझती हूँ, आप गलत नहीं हो, कोई भी भाई अपनी अपने खुद जो है पढ़ाई करे और अपनी छोटी बहन को जॉब करने के लिए नहीं भेज सकता है, उसका दिल कभी गवाही नहीं देगा इस चीज़ के लिए। लेकिन आप जो अपने मतलब फैमिली से अलग हो गए, अपनी मम्मी से इससे दूर है, कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब एक साल समझ रहे हो, एक ही शहर में आप हो ना, एक शहर में रह के अपने घर पर नहीं गए हो, आप समझ रहे हो एक अकेली लड़की का रहना कितना टफ का चीज़ होता है, मैं भी एक लड़की हूँ,
कुछ नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए था कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, मैम जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मैम 20 आवर्स काम करता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ की कंपनी के ही एक फ्लैट उन्होंने मुझे दे रखा है, तो वहीं मैं रहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कितना जल्दी पैसे इकट्ठे। तो एक बात बताओ, आप पैसे इकट्ठे के चक्कर में आप कितना बड़ा चीज़ खो रहे हो। अगर आज भगवान ना करे इसे कुछ हो गया या किसी मजबूरी में फंस गई, तो ये आपके पास आप कॉल भी रिसीव करते हो इसका? सोचो, आप ही बताओ कौन है, किसको बोलेगी? इसका भाई जो ये हो गया वो हो गया, कहीं मर गया, ये सब बहुत बोलते हैं, कभी कहते भाग गया। कुछ नहीं करेगा, थोड़ी दिन की और बात समझ गए, थोड़ी दिन की आप घर नहीं चलेंगे, थोड़ा समझ गए ना, ये प्रॉब्लम है प्लीज। हाँ, अच्छा मोहित एक चीज बताइए, आप जो बोल रहे संभाल ले, आप पे सबसे पहले आप एक बार कॉल क्यों नहीं पिक करते हो इसका? अगर आज इसे मुसीबत पड़े, अरे भाई नहीं चाहिए फैमिली को करोड़ों रुपए, उसे आप 10 रुपए ला के दो, लेकिन आप उसके साथ रहो। एक होता है ना कि चलो कोई है आपके माँ और बहन के साथ, कौन है, कोई है? अगर आपके पापा रहते ना और आज आप जाते ना, तो 1% आप बोल सकते थे हाँ सही है, लेकिन आज कौन है, कोई है? तो फिर देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है मुझे, बताओ आपके साथ कौन है? ये चीज आप कितना गलत कर रहे हो, एक बहन पे क्या बीत रही होगी, अपनी माँ से पूछे हो कि आपके पापा के जाने के बाद वो सदमे से निकली है या नहीं निकली है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? अरे भाई पढ़ाना ना, ऐसे सांस पे रोक तो नहीं पड़ेगी, ये बताओ। ठीक है, कम ही कमा, सुनो कम ही कमाओगे, बहुत ऊंचा लेवल का नहीं हासिल कर पाएगी, उस काबिल हो जाएगी ना कि खुद से कमा के कर सके। ये तो छोटी है मैम। अच्छा आपको आपको मैं क्या समझा, आपको क्या लगता है कि आप पैसे लगा दी पढ़ाई करेगी, कभी कर पाएगी, इसका मन लगेगा पढ़ाई करने में? मैम इसीलिए मैम मैं दूसरी जगह नहीं गया, मैम घर के पास ही रहता था, लेकिन भाई तब तो वो ज्यादा तकलीफ है ना कि घर का भाई मेरा बेटा किसी का घर के बगल में रह के साथ में नहीं रहता है, 1 साल तक शकल तक नहीं देखे। अरे भाई कम पैसा कमाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बहन अपने माँ के साथ तो रहोगे। नहीं पिए पैसे, मम्मी भी कितना परेशान होती है, रोज पूछती है पता चला कहाँ है वो, मैं क्या बताऊँ उनको, कुछ बोल भी नहीं पाती, नहीं दे पाती कोई जवाब। आप चलोगी नहीं घर, आप नहीं चलोगे तो मैं भी चले आऊंगी, कहीं मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी कहीं चली जाऊंगी, फिर नहीं मिलूंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी। आप ठीक है मैम, चलोगे ना? चलूंगी। देखो भाई आप बात समझो, ये आपकी बहन है, कोई दुश्मन नहीं है यार, आप बताओ, सोचो आप इनको कोई प्रॉब्लम आएगा तो सोचो दुनिया कितना खराब है जी। आप बड़े हो ना इससे उम्र में, इतना तो आपको समझ होना चाहिए ना, एक बार जाओ अपने घर पर रहो, कमाओ, कमाने से नहीं मना किया, लेकिन घर पे भी तो रहो यार। एक तो इसके पापा भी गए हैं, इसके माँ का वो डिप्रेशन में, सोचो इस लड़की पर क्या बीतता होगा। मैं आपके साथ भी समझ रही हूँ कि आपके साथ भी प्रॉब्लम है, बट समझो अपने घर बहन के साथ रहो, अपने घर जाओ एक बार प्लीज। दीदी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्रिया रो नहीं, बच्चे बता दो आप मेरे भाई से जरूर मिलवाएंगी। देखो मैं नहीं मिलवाई, बोल नहीं रहे, उन्हें नहीं समझ है, वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे, बट उनको नहीं पता इस चीज में तुम्हें आ रहा है, लॉस हो रहा है। कोई नहीं, अभी तुम्हारे भैया जा रहे ना, अब रोना बंद करो, अब तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हंस दो, चुप हो जाओ, चुप 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 बच्चा चुप, तो बहुत अच्छी ब्रेव लड़की है ना, ऐसे रोते हैं, चुप हो जाओ। थैंक यू मोहित, इसको ले जाइए घर, चुप हो जाओ।